Hi friends, good evening to all, good noon to all. Today we are discussing about the answers of yesterday test, okay? Number one, which one of the following doesn't make its substance a resource? इनमें से कौन सा किसी resource को एक substance नहीं बनाता है, किसी resource को उस resource की क्या utility है, क्या value है, क्या quantity है और किस कितने time में वो तैयार हुआ है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि क्वांटिटी कम है या ज्यादा है उससे रिसोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी एक यूटिलिटी हमारी लाइफ में होनी चाहिए, उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, साथ ही एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि वो यदि प्रेजेंट में अवेलेबल होगा फ्यूचर में अवेलेबल होगा, ये भी उसके साथ कनेक्शन हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी का कोई कनेक्शन उसके साथ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ऑब्वियस है कि मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर इज द करेक्ट आंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो भी हमें जरूरत होती है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। तुमने कल जहां भी आंसर लिखे उन आंसर्स में इसको मैच कर सकते हो इजीली, ताकि तुम अपनी ऑनेस्टी के साथ मैच करोगे तो तुम्हें अपना स्कोर वैसे ही पता चल जाएगा, मेरे को चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, विच आर बायोटिक रिसोर्सेज? तो बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। विच आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज? तो दीज टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग्स? तो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा मोर रिसोर्स किससे बन सकते हैं? तो ह्यूमन नॉलेज से जितनी ज्यादा नॉलेज हो जिसके लिए हमारे पास होगी उतनी ज्यादा रिसोर्सेज वी कैन एट्रीब्यूट। आइडेंटिफाई दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन एंड आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम। जिनकी क्वांटिटी हमें पता है और प्रेजेंट टाइम यूज हो रहे हैं वो है हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज। Consider the following statement in respect to potential resources, which one is not correct? तो potential resource में option D is not correct। High speed winds है वो potential resource नहीं है बल्कि वो एक actual resource है, it is actual resource। Okay? तो ये statement आपका D का correct नहीं है। Windmills are located in which area of India? तो windmills है वो India के नागपुर तमिलनाडु में भी हैं, गुजरात कोस्ट में भी हैं, राजस्थान में भी हैं। तो option D all the above is correct। On the basis of origin, resources can be classified into two groups। तो origin के बेस पे resources को हम दो ग्रुप में divide कर सकते हैं, biotic और abiotic। Which of the following are the examples of renewable resources जिनको बार बार renew किया जाता है? Solar and wind energy। Resources that are found everywhere are known as the ubiquitous। The distribution of natural resources depends upon following physical factors। तो terrain पे भी depend करते हैं, climate पे भी, altitude पे भी। तो all the above is the correct answer, option D is correct। Consider the following statements, which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो option D is not correct कि damage to natural environment system cannot be minimized। इसको minimize किया जा सकता है यदि हम अभी भी ध्यान दें, यदि अभी भी हम हमारी habits में सुधार करें तो डैमेज टू एनवायरनमेंट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन? तो सोइल फॉर्मेशन का इनमें से कौन सा एक सही फैक्टर नहीं है? तो टाइम भी है, सोइल टेक्सचर भी, और यानी कि रेनफॉल से कोई डिपेंड नहीं होता कि सोइल फैक्टर कैसा होगा।
which one of the following method is most appropriate to check soil erosion on steep slopes? तो स्टीप स्लोप पे सबसे अच्छा मेथड होगा आपका टेरेस कल्टीवेशन, ऑप्शन सी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर के कंजर्वेशन में कौन सा फेवर नहीं करता है? तो डिस्पोज ऑफ इलेक्ट्रिक वेस्ट है, ये सही नहीं है। ओके, डिस्पोज पॉलीपेक्स आफ्टर सोपिंग्स, ये भी सही है, इसको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी एंड डी दोनों ही में से कोई भी एक आंसर आप कर सकते हो। Which one of the following is not matched correctly? कौन सा मैच नहीं है? तो इसमें डी वाला मैच नहीं है, अरेबल लैंड। अरेबल लैंड का मतलब आपको होता है कि मतलब अवेलेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। तो ये काउंटर प्लोइंग तो एक सोइल कंजर्वेशन का एक मेथड है, तो ये दोनों आपस में मैचिंग नहीं करते हैं, बाकी तीनों आपस में मैच कर रहे हैं। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑक्यूपाइड 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन? तो सही आंसर है 30%। Which of the following type of land suitable land for agriculture? Agriculture के लिए कौन सी जमीन सही होती है? तो plains and river valleys are suitable land. The use of land is determined by which of the physical factors? तो topography, soil and climate, minerals, सारे सही हैं, तो all the above is correct answer. On the basis of ownership, which type of land is used for common uses? तो common use के लिए common property resources. Which are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities? Which are the major threats to environment? So land degradation and soil erosion, landslide, desertification, to all the above are the threats. So option D is correct. 23. Which of the following are the most common methods used to conserve land? Land को conservation के लिए कौन से methods सबसे सही हैं? प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर सही है, एफोरेस्टेशन वनों को पुनः लगाना भी सही है, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड भी सही है, तो ऑल दी अबव इज करेक्ट आंसर। द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन इज नोन एज विदरिंग। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज, सोइल किससे बनी होती है? तो सोइल में ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, विदर रॉक्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, तो ऑल दी अबव इज करेक्ट आंसर। Which of the following is not responsible for soil formation? Soil formation के लिए इनमें से कौन सा responsible नहीं है? Nature of parent rock भी सही है, climatic factor भी सही है, topography, role of organic matter, time, responsible for soil formation, soil formation में तो time का एक role हम वहाँ पे नहीं मान सकते हैं soil formation में, ठीक है। The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter, like straw. It helps to retain soil moisture. Identify this method of soil conservation. तो soil conservation का ये method कहलाता है mulching. Which type of method of soil conservation to check the wind movement to protect soil cover in coastal and dry region? Coastal और dry region में से कौन सा हो सकता है? तो coastal और dry region में इनमें counter barrier भी सही option हो सकता है और shelter belts भी सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन काउंटर बेल्ट्स होगा, तो ऑप्शन ए के साथ हमें जाना है। यदि ऑप्शन ए एंड डी दोनों आंसर में दे रखे हों तो हमें दोनों को करेक्ट करना है। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज? तो ये है 1%, ओनली 1% फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर अस। व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड ए वाटर प्लेनेट? तो ये तो 6th क्लास का पहला चैप्टर में आप पढ़ के आ रहे हो कि अर्थ का 3/4% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर, दैट इज व्हाई अर्थ इज कॉल्ड एज द प्लेनेट, वाटर प्लेनेट। An average urban Indian uses about how much of water every day? तो एक average urban around 135 liter water को use करता है per day. Which of the following is not responsible for the shortage in supply of fresh water? Fresh water की जो shortage हो रही है उसके लिए कौन सा reason responsible नहीं है? तो decreasing population, की population कम हो रही है, ये reason उसके लिए responsible नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी और different reasons may be responsible, लेकिन ये उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, ये रीजन सही नहीं हो सकता है। Which of the following is helpful to show the surface runoff and replenish underground water? तो फॉरेस्ट भी हेल्प कर सकते हैं, वेजिटेशन कवर, वाटर हार्वेस्टिंग, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल दी अबव। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट? नेचुरल जोन और वाइल्ड लाइफ किस जोन में रहते हैं? तो उस जोन का नाम है बायोस्फीयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड ए वाइटल क्लींजर ऑफ एनवायरमेंट? तो वल्चर्स को क्लेंजर के रूप में जाना जाता है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? टेम्परेचर, मॉइस्चर, सोइल, तो ऑल दी अबव इज करेक्ट ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो इसमें करेक्ट नहीं है ऑप्शन ए,
कि इन एरियाज और लो रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में था तो लो नहीं, यहाँ पे हाई रेनफॉल आएगा, कि बड़े बड़े पेड़ हैं वो हाई रेनफॉल में उग सकते हैं, लो रेनफॉल में नहीं हो सकता ये काम। ठीक है, अगला यदि हम बात करें विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर सीजन सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन, तो डेसिडियस फॉरेस्ट करेक्ट आंसर। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल इन ए शार्प डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, तो उसके लिए पोचिंग, पोचिंग का मतलब होता है जानवरों का शिकार करना, अवैध रूप से शिकार करना, तो पोचिंग के कारण एनिमल्स की स्पीसीज की संख्या वो लगातार कम होती जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन के लिए नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाई गई है, बायोस्फीयर भी बनाए गए हैं, तो ऑल दी अबव इज दी करेक्ट आंसर। व्हाई एन इंटरनेशनल कन्वेंशनल साइट्स हैज बीन एस्टेब्लिश, तो साइट्स का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ है, तो साइट्स इट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, तो साइट्स के द्वारा उन एनिमल्स और बर्ड्स की हमें एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है जिनका ट्रेड पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, जिनका व्यापार पूरी तरह से मना किया गया है, ये लिस्ट हमें साइट्स में मिलती है। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन आसाम। टू होम रॉबर्ट क्लाइव वाज टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान, तो जेम्स रनल चैप्टर वन की पहली लाइन पे है, पिक्चर के नीचे नाम दे रखा है, जेम्स रनल 1782 में इंडिया का मैप तैयार किया था। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हु वाज द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, तो लास्ट वॉइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक ए हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड जो स्टेटमेंट हैं उनको कंसिडर करना है, तो ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, इसमें ऑप्शन एक ई और होना चाहिए था, ऑल द अबव। ठीक है, तो दीज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, और जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री पार्ट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इज द इंपॉर्टेंट सोर्स। विच इंस्टीट्यूशंस आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, टू आर्काइव्स, ऑप्शन ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्वे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट ए कंट्री हैज टू बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर इट कुड बी टेकन बाय द एलिजन, डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट टू इंटरमैप फ्रॉम द एंड ऑफ, डी का इसमें गलत है, फ्रॉम द एंड ऑफ 10th सेंचुरी यहाँ पे लिखा हुआ है, 10th सेंचुरी नहीं बल्कि यहाँ पे 19th सेंचुरी होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। हु आर द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, इजी वन, औरंगजेब। When the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting the sole right to trade with the East, तो 1600, इसमें क्वीन का भी नाम याद रखेगा, हो सकता है एमसीक्यू ये पूछे जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में चार्टर किसने दिया था, तो चार्टर इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया था, न कि सेकेंड ने, याद रखिएगा फर्स्ट ने दिया था, अभी जो इंग्लैंड की महारानी है उसका नाम है एलिजाबेथ सेकेंड, तो यहाँ पे फर्स्ट है। वेन वाज वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, तब ये देखिए इससे कई सारे सवाल बन सकते हैं, पहला सवाल वास्को डी गामा, दूसरा वो पुर्तगाली था, तीसरा वो एक्सप्लोरर था, कब आया था इंडिया, 1498। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड इन बंगाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये सारे के सारे ऑप्शन से नए नए सवाल बनाए जा सकते हैं, तो एमसीक्यू में इन ऑप्शन को भी एक बार ढंग से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो ये 60 सवाल नहीं है, एक तरह से इनडायरेक्टली देखोगे तो ये लगभग 200 के आसपास क्वेश्चंस कैन बी मेड फ्रॉम दीज 60 क्वेश्चंस, तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी का गलत है कि यहाँ पर इट ऑल्सो परस्यूटेड द मुगल एम्परर अकबर, अकबर को उन्होंने परस्यूट नहीं किया था बल्कि औरंगजेब को किया था। ठीक है, औरंगजेब को जब उन्होंने परस्यू किया तो औरंगजेब ने उन्हें एक फरमान जारी किया था कि कंपनी को फ्री ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन दे दी जाए, ये परमिशन औरंगजेब के द्वारा दी गई थी ना कि अकबर के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट सी का रॉन्ग है। 55 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी को लेकर कुछ स्टेटमेंट हैं, तो ऑप्शन डी जिसमें बैटल ऑफ बक्सर का नाम आ गया तो ऑटोमेटिकली बैटल ऑफ प्लासी से मैच नहीं करता, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी ऑप्शन में कितने सारे सवाल बन गए कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई 1757 में, ब्रिटिश गवर्नर कौन था जिसने बैटल ऑफ प्लासी को लीड किया, रॉबर्ट क्लाइव, बैटल ऑफ प्लासी किसके खिलाफ लड़ी गई, सिराजुद्दौला के खिलाफ, बैटल ऑफ प्लासी में नवाब का सेनापति कौन था, मीर जाफर,
बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला के बाद किसको नवाब बनाया गया, मीर जाफर को। तो देखिए कई सारे एक ही सवाल से कम 5-6 सवाल अलग अलग आप तैयार कर सकते हो। तो एमसीक्यू के ऑप्शंस को भी ढंग से पढ़ना, आपको केवल आंसर्स को नहीं पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट डी वाला ऑब्वियसली करेक्ट नहीं है, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये गलत है। After the Battle of Buxar, the company appointed political or commercial agent and their job was to serve and further the interest of the company. Who, what are these agents? तो इन agents को क्या बोला जाता था? तो इनको residents बोला जाता था। ये subsidiary lines के लिए अवध को आधा हिस्सा 1801 में किसने ले लिया? तो इसका नाम था Richard Wellesley। Consider the following statement in respect of Southern India state Mysore. Which of the following statement is not correct? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट चारों को देखोगे तो स्टेटमेंट बी थोड़ा इनकरेक्ट है। हैदर अली एस्टेब्लिश्ड ए क्लोज रिलेशनशिप, हैदर अली ने नहीं बल्कि टीपू सुल्तान ने फ्रेंच लोगों के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप बनाया था। हैदर अली ऑल्सो ट्राइड फॉर इट बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल टू मेंटेन ए क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंच, बट हिज सन टीपू सुल्तान वॉज सक्सेसफुल टू मेंटेन ए क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंच पीपल इन इंडिया। तो स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। Only in the last battle, ठीक है, when the third battle of Panipat was fought, तो third battle of Panipat was fought in 1761, okay? नंबर 60, अब 61 से 120 तक आप तैयार कीजिए अपनी हाफ ईयरली के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। आंसर मैं साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूँ, मैं आपको टाइम दूंगा, आपके नोट डाउन करना चाहो नोटबुक में तो नोट डाउन कर सकते हो, आप अपनी स्किल को टेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज 160 क्वेश्चंस को एंजॉय कीजिए, अपने ऑप्शंस को आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, ठीक है। और वहीं से हम इसको कंटिन्यू करते हैं 61 से 120, जिसमें आंसर्स भी वी विल डिस्कस, ओके, आंसर्स भी हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो 61 वाले की तरफ चलते हैं चलो, और थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, कल आप लोगों से कहते हैं आई एम गोइंग वेरी फास्ट, ठीक है। पेशवा, ठीक है, पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर हु बिकेम मराठा एफिशिएंट मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एस्टेब्लिश्ड इट्स बेस एट विच सिटी। पेशवा जो कि मराठों का प्रिंसिपल हेड बन चुका था, उसने अपना सेंटर, अपना जो प्रशासनिक सेंटर था वो कहां पे एस्टेब्लिश किया था, किस शहर में एस्टेब्लिश किया था। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 62, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एंग्लो मराठा वार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, एंग्लो मराठा वार को लेकर कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा गलत है। The Marathas were substituted in a series of four wars. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, the Third Anglo-Maratha War of 1870-19 crushed Maratha power. The Peshwa was removed and sent away to Bithur near Kanpur with pension. तो इनमें से कौन सा statement है वो proper तरीके से सही नहीं है? You have to find out. Okay? तो answer यदि आपने लिख लिया हो तो मैं answer बता देता हूँ। 61 में जो correct answer है वो आपका Pune। और 62 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में सिंपल सा है, चार फोर वार्स नहीं हुए थे बल्कि मराठाओं के साथ थ्री वार्स हुए थे और मैसूर के साथ चार युद्ध लड़े गए थे, ठीक है, इनके साथ चार युद्ध हुए थे और उनके साथ तीन युद्ध हुए थे, ओके। नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ पैरा माउंटेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पैरा माउंटेंसी का जो पॉलिसी लेके आए थे इस पॉलिसी में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें से। ऑप्शन ए अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा ये पॉलिसी शुरू की गई थी। अंडर द लॉर्ड हेस्टिंग्स दिस न्यू पॉलिसी ऑफ पैरा माउंटेंसी वॉज इनिशिएटेड। नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हेंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। कि पैरामाउंटेंसी की पॉलिसी जो कि लॉर्ड हॉस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी, इसमें कंपनी के द्वारा एक क्लेम किया गया था कि अब उसकी अथॉरिटी है वो सबसे सुप्रीम है और किसी भी इंडियन स्टेट की तुलना में उसकी अथॉरिटी उसकी कंपैरिजन में ज्यादा हायर है, ओके। ऑप्शन बी व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कितूर, रानी चेन्नप्पा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। जब ब्रिटिशर्स के द्वारा कितूर के जो स्टेट था उसको एनेक्स करने की कोशिश की गई तो रानी चेन्नप्पा ने वहां पर हथियार उठाए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रेजिस्टेंस मूवमेंट की शुरुआत की। ऑप्शन सी सी वाज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829, बट रायना ए पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कितूर कैरीड आउट द रेजिस्टेंस।
रानी साहिबा को 1824 में अरेस्ट किया गया और जेल के अंदर 1829 में उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद रायना जो कि एक पूर्व चौकीदार थी सिंगोली कितूर के सिंगोली इलाकों में, उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ विरोध को जारी रखा। ऑप्शन डी, दे फोट ए प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड एस्टेब्लिश डायरेक्ट कंपनी रूल देयर, सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843। की कंपनी के द्वारा अफगानिस्तान से एक लंबा वार लड़ा गया 1838 और 1842 में और वहां कंपनी का डायरेक्ट रूल को एस्टेब्लिश किया गया और सिंध कंपनी के द्वारा 1843 में हासिल किया गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। तो यदि आपने चार ऑप्शंस को पढ़ो एक बार थोड़ी देर, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, यदि आपको पता हो कि ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या है कि अफगानिस्तान से उन्होंने कंपनी ने युद्ध तो किया था लेकिन अपना रूल इस्टेब्लिश नहीं किया था, बल्कि अफगानिस्तान में कंपनी ने इनडायरेक्ट रूल को इस्टेब्लिश किया था, यानी कि वहां पर उन्होंने अपना एक पपेट रूलर को इस्टेब्लिश कर लिया था जो कि कंपनी के कहने से काम कर रहा था। तो एक तरह से कंपनी ने वहां पर डायरेक्ट शासन को स्थापित नहीं किया था। ओके, 64 व्हेन पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पंजाब के ऊपर कब अधिकार स्थापित किया गया। ऑप्शन ए 1849, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1851, ऑप्शन डी 1852। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 1849। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेकर कुछ स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन बी, द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हियर हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यह बोला गया था यदि कोई इंडियन शासक बिना किसी पुत्र के या बिना किसी उत्तराधिकारी के उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका राज्य कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। ऑप्शन सी, इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध, 1856 में कंपनी के द्वारा अवध को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एंडेड आर्गुमेंट, और उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा यह आर्गुमेंट दिया गया, दे सेड दे वर ओब्लाइज बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब, कि वो लोग अवध को अपने अधिकार क्षेत्र में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो लोग नवाब का जो मिस गवर्नमेंट है, नवाब का जो कुप्रशासन है, उससे लोगों को आजाद करवाना चाहते हैं। ऑप्शन डी, द पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग, कि ये पॉलिसी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई थी। तो विच वन इज इनकरेक्ट, यस ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नहीं बल्कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए बी सी आर ओके डी इज रॉन्ग। नाउ 66, ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, व्हाट वाज देयर नेम ऑफ दीज यूनिट्स, ब्रिटिशर्स ने अपनी जो टेरिटरी थी उनको कई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डिवाइड किया था, इन यूनिट्स को क्या नाम दिया गया था। टाउन्स, प्रेसिडेंसीज, सिटीज और स्मॉल टाउन्स, इनको टाउन बोलते थे, प्रेसिडेंसी बोलते थे, सिटीज बोलते थे या स्मॉल टाउन्स बोलते थे। करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्रेसिडेंसीज। Now 67, consider the following statement in respect of judicial administration under the British system. British system के अंदर जो judicial administration था उससे related कुछ statement है, इनमें से कौन सा statement गलत है। From 1800 a new system of justice was established, each district was to have two courts, a criminal court जिसे फौजदारी अदालत बोलते थे, एक civil court जिसे दीवानी अदालत बोला जाता था। Option B, the criminal court were still under a kazi and mufti but under the supervision of the collectors. ये क्रिमिनल कोर्ट थे वो अभी भी काजी और मुफ्ती के अंडर ही काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ का सुपरविजन है वो कलेक्टर के द्वारा किया जाता था। इन 1775 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, 1775 में 11 पंडितों से हिंदू लॉ को कंपाइलेशन के लिए कहा गया। एन बी हेल्ड ए ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इन इंग्लिश, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। ऑप्शन डी, द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर, एज द टाइटल सजेस्ट हिज मैन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट।
कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। 1800 से नहीं बल्कि 1772 से इसको शुरू किया गया था। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ए न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजामत अदालत वाज आल्सो सेट अप एट व्हिच प्लेस। सदर निजामत अदालत को कहां सेट अप किया गया था? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। ओके, वॉइस स्लो हो गया बच्चा तुम लोगों के लिए। सो जो सदर निजामत अदालत थी उसको कहां सेट अप किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 68 में आंसर होगा कैलकटा के अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 69 व्हिच टाइप ऑफ रेजिमेंट नाउ बिकेम मोर इंपॉर्टेंट अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो अलग अलग टाइप के रेजिमेंट्स होती हैं उनमें से कौन सी रेजिमेंट है वो ब्रिटिशर्स के टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी? कौन सी रेजिमेंट है जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा अब ज्यादा रेजिमेंट हो गई होगी? कैवेलरी यानी जो घुड़सवार होती है, इन्फेंट्री रेजिमेंट, कैवेलरी रेजिमेंट और फुट सोल्जर, तो कौन सी रेजिमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी? तो इन्फेंट्री रेजिमेंट थी वो अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई थी। इन्फेंट्री में नॉर्मली जो पैदल सैनिक होते थे जो कि बंदूक वगैरह लेके चलते थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। घुड़सवार या फुट सोल्जर्स हैं वो ब्रिटिशर्स के टाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे। तो इन्फेंट्री इज द करेक्ट आंसर 69 में बी। यस मनीष यू आर राइट, मोहित इज आल्सो राइट। इको हो रहा है। ओके ओके ओके। नाउ 70 स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन-कौन से स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है? ए बी सी डी। ये तुम्हारे उसमें एक्सरसाइज ही है। द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। महाराजा रणजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब। द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज इनटू द टेरिटरीज दे कॉन्क्वर्ड। तो मुगल एम्पायर ईस्ट इंडिया पावरफुल हो गया, ये ऑप्शन गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र कंपनी नहीं थी बल्कि पुर्तगाली भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, डच भी आए थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे, एक व्यू है। ब्रिटिशर्स ने कोई इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज नहीं किया, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ओके, नाउ 71 मैच दी फॉलोइंग दीवानी टाइगर ऑफ मैसूर, फौजदारी अदालत, रानी चेन्नम्मा और सिपाही। तो दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को बोला जाता था। फौजदारी अदालत का मतलब क्रिमिनल कोर्ट। रानी चेन्नम्मा लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर और सिपाही को सिपाही बोला जाता था। नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ बंगाल के साथ जो विजय थी वो किसके द्वारा शुरू हुई थी? तो बैटल ऑफ प्लासी। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर ऑफ, कहां के रूलर थे वो? मैसूर। डेलोजी इंप्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, व्हेन द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। मुगल शासक के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब अपॉइंट किया गया था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1765। जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में मुगल भी हार गए थे तो उन्होंने 1765 में कंपनी को बंगाल का नवाब बना दिया था। ओके, 74। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। जो परमानेंट सेटलमेंट था वो कौन सा? परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? चार्ल्स कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकेदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। कि जो स्थायी बंदोबस्त था, परमानेंट सेटलमेंट था, ये 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। इस सेटलमेंट के अनुसार राजा और तालुकेदारों को जमींदार मान लिया गया था। ऑप्शन बी, दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी।
उन्हें ये बोला गया कि वो पेजेंट से जो रेंट है वो कलेक्ट करे रेवेन्यू के रूप में और कंपनी को पे करे। दी अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली, और जो अमाउंट पे किया जाना था वो एकदम से फिक्स हो गया था, परमानेंट हो गया था, उसे चेंज नहीं किया जा सकता था। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो इतना ज्यादा हाई था कि जमींदार्स के लिए उसे पे करना बहुत ही मुश्किल था। एनीवन हु फिक्स्ड टू फेल टू पे रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी, और जो भी जमींदारी में रेवेन्यू पे करने में फेल हो जाता था उसकी जमींदारी को छीन लिया जाता था। द रेवेन्यू दैट हैज बीन फिक्स्ड वाज वेरी लो सो दैट द जमींदार्स कुड इजीली पे। साथ ही जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो इतना कम था कि जमींदार उसे आसानी से पे कर सके। तो ये तो एकदम इजी आप आंसर बता सकते हो कि मनीष यादव इज करेक्ट, 74 में डी का आंसर इज करेक्ट, मनीषा यादव इज करेक्ट। नाउ 75 भंडारी बाबू क्या क्या कमेंट लिख रहा है ये सारे मैं पढ़ रहा हूं आपके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ महालवाड़ी सेटलमेंट अंडर ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में महालवाड़ी सेटलमेंट के अंडर जो जिस प्रकार के जो सेटलमेंट था महालवाड़ी सेटलमेंट, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। होल्ट मैकेंजी प्लान्ड दी सेटलमेंट, ये सेटलमेंट होल्ट मैकेंजी के द्वारा प्लानिंग की गई थी। द डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली नॉट परमानेंट फिक्स, जो डिमांड थी वो पीरियोडिकली चेंज की जा सकती थी रेवेन्यू से रिलेटेड, इसको फिक्स नहीं किया गया था। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू विलेज हेडमैन रादर देन द जमींदार। इसमें जो रेवेन्यू जो पे करना था कंपनी को, इसका रेवेन्यू पे करने की जिम्मेदारी जमींदार को नहीं बल्कि गांव का जो मुखिया होता था उसे दी गई थी। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, जो अमाउंट था उसे स्थायी रूप से आपको पे करना था। तो विच वन इज करेक्ट इन 75, जल्दी लिखो कौन लिख रहा आंसर जल्दी से कमेंट में, आई एम वेटिंग फॉर इट। 75 में पहला ये बोला होल्ट, ओके। 75 में डी का दोबारा से मनीषा इज करेक्ट, मोहित मोहित ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, विलेज एडमिन को परमिशन दी गई थी। देखो पहला वाला सिंपल सा, देखो स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो कि जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें जो अमाउंट पे करना था वो फिक्स था, लेकिन महलवाड़ी सेटलमेंट में क्या था, अमाउंट को पीरियडिकली रिवाइज किया जाना था, यानी हर टाइम के बाद उसे रिवाइज करना था, वो फिक्स नहीं था। तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। राजीव कुमार इज ऑल्सो करेक्ट। विजयलक्ष्मी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन डी। नाउ 76 द रैयतवाड़ सेटलमेंट टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स हु हैड टिल्ड एंड लैंड फॉर द जनरेशंस व्हिच वाज डेवलप्ड बाय व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर्स। जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट था वो डायरेक्ट उन किसानों के साथ किया गया था जो कि कई पुश्तों से अपनी जमीनें जोतते हुए आ रहे थे। इस सेटलमेंट को किस ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन ए थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन सी होल्ट मैकेंजी, ऑप्शन डी थॉमस मून। ओके 76 में ए निर्मला स्वामी इज करेक्ट, थॉमस मुनरो वाज द ऑफिसर हु। ओके मोहित राज इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ 77 By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of which crops? कि 77 मोहित राज करेक्ट है, मुनरो ने किया था। 77 पे ध्यान दीजिए। By the late 18th century, 18वीं शताब्दी के अंत तक इनमें से कंपनी किस फसल को कल्टीवेशन के ऊपर ज्यादा जोर दे रही थी। By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of which crop? Opium, indigo, wheat. ओपियम एंड इंडिगो। तो कौन सा सही होगा 77 में, बी का नहीं इंडिगो नहीं, ओपियम एंड इंडिगो बोथ आर करेक्ट। डी पे भी देखो ना एक बार, ओपियम के ऊपर भी वो जोर दे रहे थे और इंडिगो पे भी जोर दे रहे थे ओपियम। तो डी का ऑप्शन है ओपियम एंड इंडिगो। देखिए यदि चैप्टर आपने पढ़ा तो ओपियम का प्रोडक्शन करने के बाद ओपियम वो लेके जाते थे चाइना, और ओपियम के बदले में चाइना से परचेज करते थे टी, और टी को फिर यूरोप में वो लोग सेल आउट करते थे, ठीक है। और इंडिगो के बारे में तो आपने पढ़ाया कि इंडिगो से वो ब्लू कलर तैयार करने के लिए इंडिगो का प्लांटेशन करते थे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। राज कपूर भंडारी इज करेक्ट। ओके मोहित राज डी, ब्राइट इंडिया डी। ओके हाय संजीव।
नाउ 78 विच कलर वाज डिराइव्ड फ्रॉम द इंडिगो प्लांट. तो इसका आंसर तो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि इंडिगो प्लांट से कौन सा कलर डिराइव्ड होता था. ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्लू कलर. ओके 79 व्हेन द ब्लू रिबेलियन वाज हैपेंड. ब्लू रिबेलियन कब हुआ था, नील क्रांति कब हुई थी, ये इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ एक ब्लू रिबेलियन हुआ था, ये कब हुआ था. ऑप्शन ए 1859, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1862. 79 पे आओ जल्दी से मनीष सर. व्हेन द ब्लू रिबेलियन वाज हेल्ड, तो ओके 79 में ए इज करेक्ट, निर्मला इज करेक्ट, मनीषा यादव इज ऑल्सो करेक्ट, मोहित राज इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन ए 1859 इज द करेक्ट आंसर, 1859. ओके राजू. नाउ क्वेश्चन नंबर 80, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड ए मूवमेंट इन 1917 अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स. इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1917 में एक मूवमेंट कहां शुरू किया था. ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी पटना. ओके 79 में ये करेक्ट, ब्राइट इंडिया इज ऑल्सो करेक्ट, मनीषा यादव इज करेक्ट, मोहित राज इज ऑल्सो करेक्ट, निर्मला स्वामी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन ए चंपारण इज द करेक्ट ऑप्शन. महात्मा गांधी ने 1970 में चंपारण मूवमेंट शुरू किया था जिसमें इंडिगो प्लांटर्स का उन्होंने साथ दिया था. ओके संजीव इज ऑल्सो करेक्ट, राजकुमार ने भी सही आंसर दिया है. रक्षिका रजक इज ऑल्सो राइट, रोहित लोहिया इज ऑल्सो राइट. ओके नाउ 81, फिल इन द ब्लैंक्स. गवर्नर ऑफ वॉट इन यूरोप सो एज ए क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कॉम्पिटिशन टू देयर अर्निंग्स. तो किस क्रॉप को ऐसे गवर्नर ऑफ वॉट इन यूरोप सो विच क्रॉप एज ए विच वुड प्रोवाइड कॉम्पिटिशन टू देयर अर्निंग्स. ऑप्शन बी द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज इन द लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वॉज अफेक्टेड बाई द डिस्कवरी ऑफ द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट. तो चंपारण मूवमेंट तो हमने डिस्कस किया अभी इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ था. इंडिगो की इंटरनेशनल डिमांड अफेक्ट हो गई क्योंकि जो आर्टिफिशियल डाई थी उसका आविष्कार हो चुका था. इंडिगो की डिमांड है वो इंक्रीज हो चुकी थी ब्रिटेन में क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था जिसमें कॉटन के अंदर डाइंग के लिए ब्लू कलर की उनको ज्यादा जरूरत थी. गवर्नर ऑफ वॉर्ड इन यूरोप सो इंडिगो एज ए क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कॉम्पिटिशन टू देयर अर्निंग्स. ओके नाउ 82, मैच द फॉलोइंग, रॉयट महल निज रयती. तो रोहित को विलेज, महल पीजेंट, निज कल्टीवेशन ऑन रोहित्स लैंड और रयती कल्टीवेशन ऑफ प्लांटर्स ओवन लैंड. तो कौन सा सही है. तो महल तो बोलते हैं विलेज को, रयत का मतलब आपका होता है पीजेंट और निज और रयती. निज का मतलब होता है आपका कल्टीवेशन ऑन रयती, कल्टीवेशन ऑफ. अब मेरे को तो सी और डी में कौन सा मैच करेगा. क्वेश्चन नंबर 82 में पे आ जाओ. हाइड्रा एफ एफ सरजी, राम राम. ओके राम राम हाइड्रा, गुड नून टू यू. 82 में बताओ जल्दी से मैच करके. ओके वन में डी. ओके माल विलेज है और सी ओ डी. सी में लास्ट का है, ठीक है. तुम ये मिला के मेरे को सेंड आउट करना एक बार कौन सही बोल रहा है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा तुम लोगों को. सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में. 83 फॉर होम द ट्राइबल्स यूज द वर्ड दिकूज. दिकूज जो वर्ड है वो ट्राइबल्स किसके लिए यूज करते थे, आउटसाइडर के लिए, इनसाइडर के लिए, ट्राइबल्स के लिए, विलेजर्स के लिए. फाइंड द ऑप्शन. नाउ 84 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड. दी वन गुजर्स पंजाब हिल्स में पाए जाते हैं, लेबिडाइट्स आंध्र प्रदेश में, दी गद्दीज कुल्लू में, दी बकरवाल्स राजस्थान में. तो कंसंट्रेट ऑन क्वेश्चन नंबर 83 एंड 84, जल्दी से आंसर दो. ओके मोहित इज करेक्ट, आउटसाइडर ठीक है. मनीषा ने, निर्मला ने सही आंसर दिया है, आउटसाइडर्स के लिए दीपू वर्ड यूज किया जाता है. ओके आउटसाइडर इज करेक्ट 82 में, ठीक है मोहित राज 83 में का सही है. 84 पे आओ, कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है इसमें 84 में. 84 रीता सही आंसर आपका ये, लेकिन 84 का आंसर दो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच. दी वन गुजर्स पंजाब हिल्स, लेबाइट्स आंध्र प्रदेश, दी गद्दीज कुल्लू, दी बकरवाल्स राजस्थान. 84 में डी का मैच नहीं है, मनीषा यादव ने सही आंसर दिया है. 84 में डी, बकरवाल्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हैं, उनका
राजस्थान से कोई रिलेशन नहीं है, बकरवाला रिलेटेड फॉर्म जे एंड के। नाउ 85 व्हेन द रिवोल्ट ऑफ सोंग्राम संगमा इन आसाम हैपेंड, सोंग्राम संगमा जो रिवोल्ट था आसाम में वो कब हुआ था, तो ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1909। तो 85 में ऑप्शन देखो जल्दी से, फिर 86 का भी साथ ही आंसर दो। कंसीडर द फॉलोइंग मूवमेंट्स व्हिच ऑफ देम, ने कुछ नीचे मूवमेंट और उनकी डेट दी गई है, उनमें से कौन सा सही मैच नहीं है। तो 85 में बी का नहीं बेटा, 85 में ए का करेक्ट है मोहित, 1906 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 85। नाउ कंसीडर 85 में ए का सही है, ए का राजकुमार राजपूर भंडारी ए का सही है, एनी फेलो ने आंसर सही दिया है ए। ओके 86 में कंसीडर द फॉलोइंग मूवमेंट्स व्हिच ऑफ देम इज नॉट करेक्टली मैच्ड, द कोल रिबेल्स 1831-32, द संथाल रिवोल्ट 1855, द बस्तर रिबेलियन 1910, द वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र 1940, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ इंडिया 1856। तो व्हिच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से एक सही मैच नहीं है 86 में, जल्दी से बताओ याद है नहीं याद है। ओके 86 में डी 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 86 में टू नहीं, टू सही नहीं है निमला, रजब बी का भी गलत नहीं गलत है। ओके ऑप्शन ई वाला सही मैच नहीं है, देखो द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1856 में नहीं 1857 में हुआ था, ठीक है बाकी सारे के सारे सही मैच है। ओके 87 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द नोशन ऑफ बिरसा मुंडा गोल्डन एज, बिरसा मुंडा जो गोल्डन एज की बात करता था, तो गोल्डन एज से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही माने जा सकते हैं हमारे। ऑप्शन ए दे टॉक टू ए गोल्डन एज व्हेन द मुंडास हैड बीन फ्री ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कूज एंड सेड देयर वुड बी अ टाइम व्हेन द एनेक्स्टल राइट्स ऑफ कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्टेड। मुंडा साहब का ये माना था कि गोल्डन एज हुआ है जब मुंडा किसी भी प्रकार के ऑपरेशन से, दीकुओं के ऑपरेशन से फ्री हो जाएंगे और उनका वो टाइम आएगा जो जो उनके पुरखों के टाइम था। ऑप्शन बी ही अर्ज द मुंडा टू गिव अप ड्रिंकिंग लीकर, उसने मुंडाओं से कहा कि लीकर को ड्रिंकिंग करना यानी जो शराब पीते हैं उसको छोड़ दो, क्लीन देयर विलेजेस गाँव की सफाई करो एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सोशली, और गाँव भाईचारे के साथ और जो विच क्राफ्ट वगैरह हैं इन सबको छोड़ के अपने गाँव के अंदर जो ये चुड़ैल वगैरह अंधविश्वास होते हैं इन सब के अंदर बिलीव करना छोड़ दो और गांव को साफ सुथरा रखो, ड्रिंकिंग की हैबिट को भी छोड़ दो। ऑप्शन सी व्हेन मुंडाज लिव्ड ए गुड लाइफ कंस्ट्रक्टेड एम्बैकमेंट टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्चर्ड्स प्रैक्टिसेस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग दे डिड नॉट किल देयर ब्रदर एंड रिलेटिव। जब मुंडा एक अच्छा जीवन जीते थे तो वो एम्बैकमेंट बनाते थे, बांध बनाते थे, नेचुरल स्प्रिंग्स को खोज करते थे, प्लांट्स लगाते थे, कल्टीवेशन करते थे अपनी लाइफ के लिए और वो अपने भाई बहनों अपने रिलेटिव्स को किलिंग नहीं करते थे, दे लिव्ड ऑनेस्टली इन अर्बन सेंटर्स। तो ये तो सबसे इजी है, 87 में कौन सा गलत है जल्दी से बताओ 87 में। अरे पूरा सुन लिया करो फिर बताया करो, निर्मला सही नहीं सुना, दे लिव्ड ऑनेस्टली इन अर्बन सेंटर्स, तो डी का गलत है ना, मुंडा लोग अर्बन सेंटर में थोड़ी रहेंगे, वो तो ट्राइबल लोग थे फॉरेस्ट के अंदर रहते थे। सिंपल सा आंसर ढूंढना था आपको कौन सा गलत है, ठीक है डी का इसमें मैच नहीं कर रहा। ओके टू होम बिरसा मुंडा एड्रेसेस ए रावण, बिरसा मुंडा ने रावण किसको बोला है। ऑप्शन ए दीकूज एंड यूरोपियंस, ऑप्शन बी दीकूज एंड द ट्राइबल्स, ऑप्शन सी दीकूज एंड द विलेजर्स, ऑप्शन डी दीकूज एंड द सोल्जर्स। तो बिरसा मुंडा साहब ने रावण किसको बोला है। देखो ये तीनों ही वर्ड है ना गोल्डन एज से रिलेटेड है, आंसर में यदि बड़ा सवाल आए तो तीनों को तीनों ही आंसर में इंक्लूड करने आपको, ए बी सी। डी वाला अर्बन सेंटर कहीं से मैच नहीं करता तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ 88 पे आओ, बिरसा मुंडा ने रावण किसको बोला है, दीकूज एंड यूरोपियंस, दीकूज एंड ट्राइबल्स, दीकूज एंड विलेजर्स, दीकूज एंड सोल्जर्स। सवाल 22 सवाल बचे हैं हमारे, जल्दी करो अगली क्लास का टाइम हो रहा है। 88 में आंसर क्या होगा, एटी एट का आंसर होगा ए दीकूज एंड यूरोपियंस। ओके नाउ 89 ओके निर्मला ने सही आंसर दिया था, मोहित का गलत है बेटा, राजकुमार राज कपूर दोबारा सही तरीके से पढ़ते हूँ कौन सी वो नोटिंग कर रहा है। विजय लक्ष्मी गलत है 88 में, ए सही है, रक्षिका एनी फिलो सही है, मोहित राज बी नहीं ए होगा। वेन बिरसा मुंडा डाइड ऑफ कोलेरा, बिरसा मुंडा की कोलेरा से डेथ कब हुई थी 1900 में, 1901, 1902, 1903। 89 पे आओ जल्दी से, 89
वेन बिरसा मुंडा डाइड ऑफ कॉलेरा, तो ऑप्शन ए 1900 इज करेक्ट आंसर, रीता ने सही आंसर दिया है। स्टेट विद ट्रू ऑफ फॉल्स, तो ये तो आपकी बुक से आप कर लोगे। जोन कल्टीवेशन क्लो द लैंड एंड दी सो सीड्स, तो ये ऑप्शन गलत है। कैकून्स वर ब्रॉड फ्रॉम द संथाल्स एंड सोल्ड बाय ट्रेडर्स एट 5 times, ये ऑप्शन सही है। बिरसा अर्ज हिज फॉलोअर्स टू प्यूरिफाई देमसेल्व्स गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, ये भी सही है। द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, ये फॉल्स है। ओके तो ये ट्रू फॉल्स तो आपने कर लिया है, ठीक है, 19 का हो गया। नाउ 91, विच वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस के बेस पे कौन सी टेरिटरी थी जिसको सबसे लास्ट में एनेक्स किया गया था? अवध इन 1856, झांसी इन 1856, कानपुर इन 1865, अवध इन 1865। आंसर लिख देना जल्दी से। ओके 92, हु वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, प्लेड फॉर हिज फादर्स पेंशन, पेशवा बाजीराव सन सेकंड के अडॉप्टेड सन कौन थे जिन्होंने की अपने फादर की पेंशन के लिए गुहार लगाई थी? तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर जगदीश और नाना श्री। ओके अवध था ऑप्शन 91 में, एक आंसर अवध है और उसमें जो आंसर सही है वो नाना साहब बी आंसर सही है 92 में, ठीक है। 91 में अवध सबसे लास्ट में लिया गया था और यहाँ पे नाना साहब उसके अडॉप्टेड सन थे। ओके सी रितिका ने सही आंसर दिया 92, मोहित राज 92 में बी का। ओके मोहित ने भी सही आंसर दिया, ठीक है। हु डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी अवध वाज बीइंग मिस गवर्नड एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू बी इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसने डिक्लेयर किया कि अवध की जो टेरिटरी है उसको मिस गवर्न किया जा रहा है और वहां पे ब्रिटिश रूल को लागू किया जाना चाहिए, तो ये क्या था? डलोजी के द्वारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 94, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एंड ऑफ मुगल डायनेस्टी बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हिच ऑफ इट इज नॉट करेक्ट। द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी, ओके कंपनी के द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते थे उसे मुगल शासक का नाम हटा दिया गया। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of King would be shifted out of Red Fort and given another place in Delhi to reside in. 1849 में Governor General Dalhousie ने घोषणा की कि Bahadur Shah Zafar की मृत्यु के बाद उनकी फैमिली को Red Fort से निकालकर किसी दूसरी जगह दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाएगा। In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king. Lord Canning ने 1856 में decide किया कि Bahadur Shah Zafar हैं वो last Mughal शासक होंगे। और ऑप्शन डी इन 1856 बहादुर शाह जफर वाज डाइड, 1856 में बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई, तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? सीधा सा है, नहीं डी वाला ऑप्शन सही नहीं है, बहादुर शाह जफर की डेथ बाद में रंगून में जाकर हुई थी, तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। 94 में डी, डी मनीषा यादव ने सही दिया राजू, 94 में ए कैसे हो सकता है। 95 में when the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company army had to agree to serve overseas if required, company ने ये नया law कब पास किया जिसमें कहा गया कि हर वो व्यक्ति जिसे कंपनी के अंडर शासन करना है उसे समुद्र को क्रॉस करना होगा, तो ये नया law कब आया? 1856, 1857, 1858, 1859। तो 95 में करेक्ट आंसर क्या होगा? रेखा भाई तुम्हारी वॉइस कम कैसे है बेटा, देखो अपने सेटिंग को थोड़ा चेंज करो कैसे वॉइस कम है। When a new law was passed which allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors, ये नया law का पास किया गया जिसके द्वारा उस हर भारतीय को अधिकार दिया गया कि यदि वो Christianity में चेंज होना चाहता है तो उसे अपने ancestors की प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार दिया जाएगा। 1850, 1851, 1852, 1853, find out the correct option। 96 में क्या आएगा? रीता लोहिया 1852, ओके 96 और बताओ आंसर। 96, 95 में ये सही है। 96 में क्या है? ओके 1852 इज करेक्ट आंसर।
Name the soldier who was hanged to death for attacking his officers in Barakpur on 29 March 1857. तो किस सोल्जर को बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 में अपने ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करने के कारण हैंगआउट कर दिया गया था? मंगल पांडे, कुमार जगदीश, मंगल शर्मा, मंगल झा। ये तो सबसे इजी है। ओके आंसर इज मंगल पांडे। 29 व्हेन एंड वेयर द इंडियन सोल्जर्स स्टार्टेड द रिबेलियन इन 1857 में रिबेलियन कब शुरू हुई सोल्जर्स के द्वारा? ऑन 10th मई इन मेरठ, ऑन 10th जून इन मेरठ, 10th मई इन दिल्ली, 10th मई इन कानपुर। तो सबसे इजी सवाल है, आंसर देख लेना, 10th मई इन मेरठ। हैंडेड कर टू होम द इंडियन सोल्जर प्रोक्लेम्ड एज देयर लीडर इन 1857 रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट में इंडियन सोल्जर्स ने अपना लीडर किसे प्रोक्लेम किया था? तो करेक्ट आंसर इज बहादुर शाह जफर। टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कवर कर रहा हूँ। ओके आप सब आंसर हम लिखते जाओ, बाद में चेक कर लूंगा। हैंडेड में ऑप्शन है बहादुर शाह जफर इज द करेक्ट आंसर। नाम 101 विच ऑफ द फॉलोइंग नोट मैच करेक्टली। इनमें से कौन सा वो सही तरीके से मैचअप नहीं है? नाना साहब कानपुर में लड़े, ब्रिटिश काल लखनऊ में, बेगम हजरत महल लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, अहमदाबाद, फैजाबाद, बख्त खां बरेली, कुंवर सिंह राजस्थान। तो ऑप्शन जी इज नॉट करेक्टली मैच। कुंवर सिंह थे वो बिहार से, उन्होंने लीड किया था इस 1857 के रिवोल्ट को। हु वाज द जनरल ऑफ नाना साहब? नाना साहब के जनरल का नाम क्या था? तो तात्या टोपे, ब्रिटिश कादिर, बख्त खान, कुंवर सिंह। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तात्या टोपे। 103 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ बहादुर शाह जफर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ही वाज द लास्ट मुगल एम्पायर। बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड टू कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। हिज सन्स वर शॉट डेड बिफोर हिज आईज। ही एंड हिज वाइफ बेगम जिनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन मुंबई इन अक्टूबर 1858। तो ये ऑप्शन सी गलत है, उनको बंबई में नहीं बल्कि रंगून की जेल में भेजा गया था। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप इजीली पढ़ लेना सब। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें गलत है। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ट ए न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू होम। 1858 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून किसको, कानूनों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर किसे दे दी गई? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्रेसिडेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ब्रिटिश क्राउन। हु मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया बाई 1858? 1858 के एक्ट के द्वारा किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इंडिया से रिलेटेड मैटर को हैंडल करने की? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ विच टाइटल वॉज गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या टाइटल दिया गया था? तो उसे वॉइस रॉय के नाम से पुकारा जाता था। ओके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 120 है बेटा, क्यों 10 सवाल हो रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 1858 एक्ट। 1858 के एक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ कंट्री वर अश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी कैन बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हायर्स इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन्स। It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. The land and property of Muslim was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. तो इनमें से देखिए सबसे इजी है, एक का मैच नहीं कर रहा है कि their territory can be annexed in future. ये cannot be है यहाँ पे, ठीक है? तो ये गलत statement है। 108 consider the following statement in respect of constitution. Which of the following is not correct? Constitution से related statement कौन सा सही नहीं है? It lays out certain ideas that the basis of kind of country that we citizen aspire to live in. Constitution tells us what the fundamental nature of our society is. A constitution helps to serve.
ओके तो इसमें से देख इनक्लूडेबली टाइप ऑफ इसमें दैट दिस इंक्लूड ये जो स्टेटमेंट डी है ये गलत है ठीक है। 109 में व्हेन द मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन नेपाल टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, नेपाल में गो एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट कब शुरू हुआ, तो 206 इज करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली में कितने मेंबर थे, तो देयर आर 300 मेंबर्स आर देयर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को माना जाता है। विच रूलिंग सिस्टम हैज मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट वाला सिस्टम को फेडरलिज्म हम बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेकाइल फॉर ऑल सिटीजन, तो इसका मतलब है ऑल पर्संस हैव राइट टू वोट। ये सारे सवाल तुम अपने हाफ ईयर एग्जाम के लिए ध्यान में रखना, इसलिए मैं करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऑल द अबव। विच इज द स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट, तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये तीनों ही इम्प्लीमेंटिंग और रनिंग द, विच इज द स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट, तो इसके लिए आपका एग्जीक्यूटिव इज द करेक्ट आंसर। विच इज सेक्शन ऑफन बिंग रेफर्ड एज द कॉन्साइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फंडामेंटल राइट इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर प्रोवाइडेड, देयर आंसर इज 6। Which fundamental right allows citizen to move the court if they believe that any of their fundamental right have been violated by the state? So right to constitutional remedies is the correct one. Who was the president of the Constituent Assembly? Dr. Rajendra Prasad was the president of Constituent Assembly. In which country non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc. nor gather public place for prayers? So ye answer is Saudi Arabia. Okay friends, अभी तक हमारे जितने भी chapters हुए थे उन सबके MCQ हमने कर लिए हैं डिस्कस। आगे से जो भी चैप्टर हमारा होता जाएगा उसके MCQ हम डिस्कस करेंगे। कल हमारी लास्ट क्लास होगी इस वेनसडे को जो यूट्यूब पे होगी। आगे से हम मिलेंगे आपको, आप और हम सब दोनों गूगल क्लासरूम पे मिलेंगे। अभी भी क्लास 8C में शायद मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो जैसे ही वो काम हो जाता है उसके बाद हम गूगल क्लासरूम पे क्लास हमारी कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। ओके ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।